Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मेरे न्यू GoPro 9 की Hero 9, Step Hero 9. उस साथ में हमने लिया है इस साथ हमने अपना न्यू सिस्टम जो मीडिया मोड एंड उससे डबल बैटरीज. ठीक है, पहले आप अपना GoPro 9 ओपन कर दें. ओपन करने के पहले इसको पोस्ट ओपन पहले इसको साइड में रखते हैं. ठीक है, ओपन करते हैं. तो ये रहा हमारा GoPro 9 की थोड़ा सा बॉक्स. कुछ ना आता इसमें और कुछ नहीं है. तो इसकी प्राइस 49,500 रुपीज है. तो आज ये थिंक कितना बनता है कितना नहीं आया आपको बिल विल हम सब बता देंगे कितनी बिल आई है कितनी बिल नहीं आई है. चलो करते हैं शुरू. सो हम स्टार्ट करते हैं इसको ओपन करके. तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ये रहा हमारा थोड़ा GoPro. तो उसके साथ थोड़ा सा हमें ये मिलता है कि इससे हम पता चल सकता है कि स्टिकर मिलता है जो मैंने अपने माउंट वाले लिया है. तो मेरा माउंट यहीं कहीं था, पता नहीं क्या मेरा माउंट है. चलो कोई बात नहीं, ये स्टिकर मिलते हैं और साथ में इसमें थोड़ी डिटेल मिलती रहती है हमें. ये डिटेल है इसमें आती है. उसके बाद आती है क्वेश्चन जो इसके साथ आते रहते हैं हमें कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. चलो इसके साथ देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. पहले तो हमें ये मिलता है अपना चार्जिंग पोर्ट. ये सी टाइप है सर. हाँ सी टाइप है, वो इसी टाइप है ये दे सकते हैं. साथ में हमें मिलता है एक माउंट जो हम फिट कर सकते हैं अपने कैमरे के साथ और कहीं पर हम इसको दस मतलब इसमें अटैच करके कहीं पर हम अटैच कर सकते हैं सबको डबल टेप के साथ. और ये रहा हमारा मेन. पहले मेन को हम छोड़ते हैं, पहले हम कहीं और जाते हैं आपको बताते हैं इसके साथ कुछ चीज़ें. ये रिंग ये छोड़ो, पहले आपको GoPro नहीं उसकी चीज़ें बताते हैं जो उसके साथ हमने लाई थी. तो ये रही मेरा ड्यूल चार्जर बैटरी. चलो इसको ओपन करते हैं. सो पहले तो हमें ये इसके साथ भी मैनुअल मिलता है दे सकते हैं. ये कुछ नहीं है, सिर्फ बैटरी के बारे में बताया हुआ है. ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है GoPro का. तो उसमें डबल बैटरी आती है, तो डबल बैटरी के लिए चार्जर बताया. तो सामने ये ऐसे ही जो देते रहते हैं वो सारी किताब जो हम पढ़ते वढ़ते हैं नहीं कुछ भी नहीं आते इसको. तो इसको साइड में आते हैं तो इसमें से निकालते हैं हमारा प्रोडक्ट. तो ये रहा हमारा वो चीज़ तेरी बैटरी जिससे हम डबल बैटरी एट अ टाइम चार्ज कर सकते हैं अपना. मतलब GoPro में भी चार्ज कर सकते हैं, इसमें भी हम चार्ज कर सकते हैं. इसके साथ हमें मिलती है ये चीज़ सी टाइप. इसको भी सी टाइप लगता है जिसके कारण ये सी टाइप लगाने में आसानी हो जाएगी. तो इसको पहले ओपन करते हैं हम. ठीक है, अब जितनी वीडियोस आएंगी हमारी ना GoPro पर आएंगी दे सकते हैं आप. ये रही कुछ लीड डाटा केबल. तो इसको इसमें फिट करते हैं तो इस तरह से फिट हो जाती है. अब इसको हम साइड करते हैं. अब देखते हैं इसके साथ बैटरी. बैटरी हमें दो टाइप की मिलती है. तो इस बैटरी को ओपन करते हैं. चलो मुझे लगता है इसको एक्सरसाइज से मैं कर देता हूँ. ये GoPro की बैटरी देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ है, अच्छी लग गई. तो सीधा इसमें हमने फिट करना है. तब नीचे बैटरी हाँ खुद ही हो जाता है. जाए तो गिरने के चांस है. मतलब जैसा मैं फील कर रहा था ना मैंने नेट वाला वैसा तो है. हाँ वैसा ही है. तो मैंने अभी ऐसे ऐसे किया था अचानक कि मतलब पूरा अपने बताया नहीं था. तो ऐसे भी इसको ओपन कर सकते हैं. तो ये मेरी डबल बैटरी इसमें चार्ज हो सकती है. चलो ये तो हुआ डबल बैटरी का केस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके साथ हमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो थी ये. पहले तो हमें दूसरा वाला आता था जिससे हम अटैच करते थे अपनी केबल. तो उसको मैंने ओपन किया था, पहले भी ओपन किया तो आपके सामने मतलब ओपन किया इस्तेमाल नहीं किया भाई. ठीक है, तो ओपन नहीं किया था मैंने. तो ऐसे ही उठा लो यार, टू गेयर दफा खोलो फिर अच्छे से खोल दो. ये है मीडिया मोड. तो मीडिया मोड में क्या क्या मिलता है. मीडिया मोड में खाली डब्बा दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है. तो मीडिया मोड में पहली बात हमें ये मिलता है वारंटी कार्ड, लाइफ टाइम वारंटी, लिमिट लाइफ टाइम वारंटी. लिमिट मैंने पढ़ा नहीं था. ये मूड या मोड का ये जो उसका मतलब होता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. इसकी क्या बोलते हैं यूज़र गाइड जो हम देखते नहीं है. इसके साथ में हमें एक माउंट मिलता है. सॉरी फॉर कैमरा हिल रहा, मेरी वजह से हिलता है यार. थोड़ा बहुत इसको उठा लेता हूँ फिर नहीं हिलता. तोड़ दे. तो ये रहता है मीडिया मोड.
ठीक है, ईस्ट के साथ स्टैंड मिलता है, तो साथ में ही मिलता है हमें ही। पहली चीज तो ये है, ये विंड शटल है, ताकि हम विंड में जाएं तो जो विंड की नॉइज है वो इसमें ना आए, तो इसलिए स्ट्रिप्स में अटैच करते हैं हम सारे, ठीक है, ऐसे अटैच करते हैं, अभी अटैच करके बताऊंगा। और साथ में ये रहा कुछ GoPro का डिज़ाइन, जिसमें हम अपनी एल सी एस रेडी रानी है, जो बड़ी एल सी डी है वो इस पर हम लगा सकते हैं, उस साइड में हम टॉर्च या कुछ और भी लगा सकते हैं, ठीक है, माइक, या फिर हम इधर माइक लगा सकते हैं, इधर टॉर्च लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जैसे हम चाहें। तो साथ में इसमें मिलता है 3mm का जेट भी मिलता है, देख सकते हैं, देख लो जेट 3mm का। साथ में मिलता है इसमें सी टाइप केबल हमारी, उसके साथ मिलता है हमारी कुछ जैसे हम अपने लैपटॉप या फिर किसी कैमरे के साथ इसको कनेक्ट कर पाए, तो ये दूसरी केबल मिलती है, अच्छा है, बहुत वधिया क्वालिटी है। तो अभी इसको उसके साथ फिट करते हैं, ठीक है, क्या पहले कैमरा बताते हैं आपको। तो ये रहा हमारा कुछ GoPro Hero 9, चलो इसको ऑन करते हैं, तो ऑन करने का बटन नहीं रहा, तो इसको मैंने अपने उससे साथ कनेक्ट कर लिया था फोन के साथ पहले ही, दे सकते हैं ये रहा कुछ हमारा GoPro Hero 9। तो इस टाइम ये अल्ट्रा वाइड है, तो इसमें सारे एंगल हमें अच्छे से दिखाई दे रहे हैं उनके, और मेरा ये चीज़ देख सकते हो डबल डिस्प्ले। तो अभी इसको बाहर टेस्ट करने हम ले जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी बैटरी ढाली हुई है मैंने, तो दिखाई दे रहा होगा आपको कुछ 11% चार्ज भी है, तो वाइड तो हमने अल्ट्रा वाइड रखा है इसमें। उसमें सेटिंग में जाना है हमने, तो इसमें हम कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, देख सकते हैं सुपर व्यू, तो देखते हैं सुपर व्यू कौन सा है। आज मैंने सुपर व्यू रखा है पर, तो इसको मैंने 5 पर ले दिया, चलो देखते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के लिए हमें ऊपर वाला बटन दबाना है, वीडियो चालू होते हुए, और वीडियो में हम अपना ये भी फेस भी बता पा रहे होंगे, देख लो वीडियो में हम अपना ये भी फेस भी बता पा रहे होंगे, देख लो अच्छे से वीडियो बना रही नहीं बने, तो नीचे बता दे रहा हूँ आपको। तो ये रहा हमारा GoPro, अब इसकी हम बाहर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, वॉइस टेस्टिंग। तो ये रहा मेरा कुछ व्यू, तो ये मेरा भाई पटका बनते हुए, तो अभी निकलते हैं हम नीचे, ठीक है, और आपको बताएंगे हम अच्छे अच्छे से व्यू बताते जाएंगे पहले हम। तो ये कुछ ऐसा व्यू बाहर से ऐसा व्यू आता है, ठीक है, अभी तो तूफान का थोड़ा सा लेट हो रहा है, मतलब इतना नहीं, मतलब दिखाई दे रहा होगा आपको, आपको बताते हैं। देख लो ये सुपर मोड है, ऊपर देख लो यार, ऐसे बिजली मतलब व्यू हो रही है, तो ये कुछ व्यू आता है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, ठीक है, इसलिए भी बाहर हम जा नहीं रहे, तो वो वाला जो साइड है वो ऐसे ही अभी बेकार है, उधर कोई भी नहीं आता, तो उसमें भी ऐसी बेकार भरी हुई है, इसलिए उधर साफ उन्होंने ऐसे तीन मिल है कुछ वैसा कुछ सी नहीं, देखो ये सुपर व्यू है। अब इसका वाइड एंगल आपको बताने वाले हैं, कौन सा एंगल, वाइड एंगल, ठीक है, वाइड एंगल बताते हैं आपको, उसके बाद आप इंजॉय कर लेना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए देख लो आप। और वॉइस का भी कुछ पता नहीं है, वॉइस कैसी आ रही थी, पता नहीं कैसी आ रही थी, बाहर बहुत तेज हवा भी आ रही है, तो देख लेना, ठंड भी है, मैंने अपर भी पहन लिया है, चलो आप देख लो व्यू यार। तो यार ये कुछ व्यू था मेरे इसका, अपने GoPro का व्यू देख लेना, तो इसकी जो बिल है वो आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा ये रहना, तो लाइट इधर चली, ये बाहर इतनी तेज़ रेनफॉल हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी वह, तो अभी आपको थोड़ा बिल बता देते हैं इसका, ठीक है, थोड़ा बिल। तो ये रहा मेरा कुछ बिल, ये कुछ ऑलमोस्ट पर आया, देख सकते आप कितना लाइट आ रही है, तो लाइट में थोड़ा डिम करते हैं, देख लो 50,000 के आसपास पर आया, 4900 का पड़ा है टोटल। और जो एसेसरी है, एसेसरी छोड़ के मतलब कि कैमरा मुझे 37 कवर है, या 37 कवर है कैमरा, और मुझे जो ये मीडिया मोड है वो मिला है मुझे 8500 का, और जो दूसरा है बैटरी मेरा वो पड़ा है मुझे 7000 के आसपास, और टोटल मिला के 49,000 होते हैं। और एक और चीज़ मैंने मंगाई थी जिससे मेरी एसेसरी कंप्लीट होती है, जो मैं बाइक पर लगा पाऊँ, जिसमें मैं हेलमेट पर लगा पाऊँ, वो मुझे पड़ी थी 1400 कुछ की, तो टोटल ऑलमोस्ट कॉस्ट इसकी 55 तक पहुँच जाती है, मतलब अगर मैं छोटे मोटे चीज़ें प्लस करूँ तो 55 तक मुझे पहुँच जाता है, तो इतना कॉस्ट है बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दोबारा ना भूले, एंड शेयर भी करना, जब किसी को GoPro चाहिए या लेना हो तो वीडियो की इसके फायदे भी देख लेना, और इसकी वीडियो के रिव्यू भी आप बता देना कैसी वीडियो है, वॉइस
भी सुन लेना, ठीक है? मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम सुन। बाय बाय।